Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. बैंकशा राम की ओर अपनी तलवार लाने आगे बढ़े, उससे पहले अचानक ही काराकोरम पर्वत हिलने लगा, मानो भूकंप आया हो। सब चकाचौंध रह गए। तेंगशा खुद दंग रह गया कि हो क्या रहा है। अचानक ही तेंगशा ने देखा कि काराकोरम पर्वत के एक पर्वतमाला के बीच एक बेहद बड़ी दरार पड़ गई थी। तेंगशा ने देखा कि राम कहीं नहीं दिख रहा था। तो क्या ये सब राम कर रहा होगा? कहां था राम? कहां थे कठपुतली के सिपाही? अचानक ही उस दरार में से एक काला धुआं निकला, जिसने काराकोरम पर्वत की पर्वतमाला को घेर लिया। बर्फ जैसी ठंडी चांदनी नीचे की ओर फैल गई, पर्वतमाला को रेशम की एक पतली परत में ढक दिया। एक असाधारण शांतिपूर्ण और शांत दृश्य तेंगशा की आंखों के सामने छाने लगा। तेंगशा ने देखा कि अचानक ही राक्षसी जानवर काराकोरम पर्वतमाला पर भाग रहे थे। वो जानवर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मानो कोई उनकी बलि चढ़ाने उनके पीछे पड़ा हो। तेंगशा सफटी आंखों से देखता रहा कि उसके सामने हो क्या रहा था। अचानक शांत आसमान में बेहद तेज हवाओं की आवाज सुनाई दी। इस हवा ने तुरंत कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही राक्षसी जानवरों ने दहाड़ दी, तेंगशा ने देखा कि दूर से चमगादड़ की तरह आकाश को ढकते हुए कुछ अनगिनत आकृतियां थी। तेज हवा की आवाजें तूफान की तरह थी, क्योंकि उन्होंने तुरंत पर्वतमाला की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया था। इसीलिए तेंगशा समझ भी नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा था। काराकोरम पर्वतमाला के भीतर शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के पास स्पष्ट रूप से बुद्धिमत्ता थी। हालांकि कुछ अधिक चालाक राक्षसी जानवरों ने खुद को जंगल में छिपा लिया और पीछे रह गए कुछ सिपाही और इंसानों को मारने के अवसर की प्रतीक्षा करने की तैयारी कर रही थी। राम ने भी यह बदलाव होता देखा था, लेकिन राम स्वाभाविक रूप से इन शिकारियों पर ज्यादा ध्यान देने के मूड में नहीं था। वो जानता था कि इस बार की सबसे कांटेदार समस्या अभी भी भयानक कठपुतली पंथ की तेंगशा के रूप में थी। तेंगशा बहुत शक्तिशाली था और अपनी काली तलवार राम से वापस पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यदि हरि की मदद नहीं होती तो राम एक भी राउंड तक जीवित नहीं रह पाता, ये बात राम अच्छे तरीके से जानता था। हालांकि वो कठपुतलियों के घेरे से बाहर निकल चुका था। दूर से ही राम को तेंगशा की आभा खुद पर मजबूती से बंधी हुई महसूस होने लगी। राम जानता था कि तेंगशा इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राम भाग गया है। तेंगशा तो निश्चित रूप से हड्डी कुतरने वाले कीड़े की तरह उसका पीछा करेगा। जब तक राम के साथ वो काली तलवार, शून्य शक्ति और राम की जान ले नहीं जाता, तब तक। ऊपर से कठपुतली सिपाही भी निर्वाण शक्ति से भरपूर थे। राम जानता था कि एक बार मौका मिलने पर वो निश्चित रूप से राम के खिलाफ कदम उठाएंगे और तलवार और शून्य शक्ति छीन लेंगे। स्थिति अब पहले से बेहद गंभीर थी। थोड़ी सी भी चूक और राम इस स्थान पर अपनी जान गंवा सकता था। राम की निगाहें तेजी से चमक रही थी। छोटी आग को भी स्थिति के खतरे और तात्कालिकता का एहसास हो रहा था। उसके चौड़े रक्त रंग के पंख पागलों की तरह हिल रहे थे। लाल रंग हिलने की वजह से आसमान में खून की एक रेखा बन गई हो ऐसा लग रहा था। ऊपर से उसके पंख हिलाने से जो हवा निकल रही थी, वो हवा बेहद कातिलाना थी। वो नीचे के पेड़ों को छूते ही काट रही थी। सच में छोटी आग काफी गंभीर मूड में था। भले ही तेंगशा हिल नहीं रहा, लेकिन वो अभी भी करीब से पीछा कर रहा है, राम ने खुद से कहा। सच में तेंगशा पहले से थोड़ा और पास लग रहा था, लेकिन राम ने उसे पास आते चलते या उड़ते देखा ही नहीं था। तो वो पास कैसे आ रहा था? क्या वो हवा में तैर रहा था? ऊपर से उसकी गति और तेज होती जा रही थी। राम समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वो उसे पकड़ लेगा। राम ने अपने होंठ भींचे। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन अब उसके पास भागने के अलावा कोई अन्य विचार नहीं था। ऊपर वो शून्य शक्ति के प्रतीक और काली तलवार को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके लिए तेंगशा से बचना लगभग असंभव था। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने न जाने कितनी मेहनत की थी। अब जब बहुत कठिनाई के बाद ये उसके हाथ में था, तो वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। छोटी आग, चलो सबसे पहले काराकोरम पर्वतमाला के गहरे क्षेत्र की ओर चलें। इस पर्वतमाला के भीतर अभी भी कई शक्तिशाली राक्षसी जानवर हैं, हमें अंदर ही छुपना होगा, राम ने गंभीरता से कहा। राम की हथेली ने छोटी आग को थपथपाया और उसके लाल पंख एक बार फिर हिल गए, जिससे वो काराकोरम पर्वतमाला के ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ उड़ने लगे। राम से कुछ ही दूरी पर भयानक कठपुतली पंथ सिपाहियों का एक बड़ा समूह बारीकी से उसे फॉलो कर रहा था। उनके साथ ही तेंगशा था, लेकिन एक तकलीफ थी।
रात होने की वजह से तैंक्षा को कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से तैंक्षा को डर था कि इस अंधेरे में गलती से वो कोई राक्षसी जानवर को छू गया तो उसको वो लोग नोच खाएंगे, भले ही फिर वो अप्रतिम योद्धा क्यों ना हो। वो अपने सिपाहियों से बोला, यदि तुम लोग मानते हो कि तुम इस राक्षसी जानवर पर भरोसा करके बच सकते हो तो तुम लोग बेवकूफ हो। तैंक्षा की आंखें ठंडी थी क्योंकि उसने व्यंग किया था। जोरदार अपराजित शक्ति अचानक उसके पैरों के नीचे जमा हो गई, जिससे तुरंत उसकी गति तेज हो गई। तैंक्षा की आकृति आश्चर्यजनक गति से आसमान में राम का पीछा करते हुए उड़ने लगी। धिक्कार है, उस आदमी ने अपनी गति बढ़ा दी, राम ने कहा। वो अब तैंक्षा को उड़ते हुए देख पा रहा था। पीछे से अचानक आई ध्वनि की आवाज के कारण राम का ध्यान तैंक्षा पर गया था। वो जानता था कि तैंक्षा की अब उसके साथ उलझने की कोई योजना नहीं है। जैसे ही छोटी आग को राम की चिंता महसूस हुई हो, उसने इस समय धीमी गर्जना की। आसमान फिर से खून के रंग से रंग गया। तैंक्षा ने दूर से छोटी आग को देखा और शॉक हो गया। इस समय उसके पंख बिल्कुल मायावी चमगादड़ जैसे ही दिख रहे थे। जाहिर है इस महत्वपूर्ण क्षण में छोटी आग के शरीर के भीतर चमगादड़ की रक्त शक्ति ने धीरे धीरे अपना उपयोग दिखाया था। विशाल लाल पंख बाहर की ओर फैल गए और एक शक्तिशाली झटके के साथ छोटी आग की आकृति 100 मीटर दूर दिखाई थी। तैंक्षा घबरा गया, इतने पास कैसे आया छोटी आग? क्या राम, जो कब का तैंक्षा से भाग रहा था, अब वो तैंक्षा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन तैंक्षा के पास जैसे ही छोटी आग पर बैठा राम आया, तो छोटी आग ने ही तैंक्षा पर वार किया, राम ने नहीं। अपने विशाल पंखों से अद्भुत अपराजित शक्ति निकाली और छोटी आग ने इतनी जोर से वार किया कि हवा में भी विस्फोट हो गया। वो मनहूस जानवर, तैंक्षा भड़क गया और सामने प्रहार किया, लेकिन राम तक वो प्रहार पहुंचा नहीं क्योंकि बीच में ही छोटी आग के पंख आ गए। उसके हमले से राम के सामने खाली हवा में तैंक्षा की आकृति तुरंत आ गई। उसने छोटी आग की ओर देखा, जिसकी गति काफी बढ़ गई थी, और तैंक्षा सर से पैर तक कांप गया। यदि ये जानवर ना होता तो उसके प्रहार से राम तुरंत मर जाता। हालांकि वो चूक गया था, तैंक्षा हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसने दृढ़तापूर्वक राम का पीछा किया, उसकी आकृति एक बार फिर आगे की ओर बढ़ी। तैंक्षा इतना भड़क गया था कि उसके पूरे शरीर में से अपराजित शक्ति निकलने लगी, जो नीचे की ओर भी जाने लगी। आसमान के योद्धा में से इस तरह अपराजित शक्ति बरसते देख राक्षसी जानवर भी पास आने से कतराने लगे। छोटी आग, ये तैंक्षा सच में हमें खत्म करके हमारे हाथ से काली तलवार और शून्य शक्ति लेने की योजना बना रहा है, राम ने छोटी आग से कहा। पिछले बार से बचने के कारण राम का शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था, क्योंकि तैंक्षा का वार सच में खतरनाक था। तैंक्षा अब जोर जोर से राम की ओर चीखने लगा, तूने तलवार छीन ली है और सोच रहा है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा? तो तू सपने देख रहा है राम राजशेखर? राम समझ गया कि इस बार शायद उसने गलत अनुमान लगाया था। वैसे तो राम किसी भी दुश्मन को कम नहीं समझता था, लेकिन घोर को हराने के बाद राम को यकीन था कि वो किसी भी सेनापति को हरा सकता था। अरे उसने तो थोड़ी देर पहले बाला को भी लगभग खत्म ही किया था। लेकिन तैंक्षा ने कहा था कि बाला आधी सांस ले रहा है, तो क्या बाला अभी तक जिंदा होगा? राम ने खुद के विचारों पर रोक लगाई। ये सब सोचने का वक्त नहीं है राम, इस बार तुमने गलत अनुमान लगाया है। मैं सोचता रहा कि बाला को हराना यानी उसकी सेना और सेनापति को हराना है, लेकिन नहीं, राम ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा। तैंक्षा के हमले तेजी से और घातक हो गए। शुक्र है कि छोटी आग की स्थिति बेहद अच्छी थी और वो चतुराई से हमलों से बच गया और राम को बचा लिया। राम सामने वार कर रहा था, लेकिन तैंक्षा को मानो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। अचानक ही राम ने सामने वाले पर्वत पर एक दरार देखी। वो दरार धीरे धीरे बंद हो रही थी। दरार छोटी थी, उसमें सिर्फ एक ही योद्धा घुस सकता था। अंदर जल्दी, कहते हुए राम ने छोटी आग को दरार की ओर मोड़ा। वो दरार बंद हो उससे पहले छोटी आग उसके अंदर घुस गया, और पीछे तैंक्षा अंदर घुस पाए उससे पहले ही वो दरार बंद हो गई। आखिरकार तैंक्षा ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। राम, वो चीख पड़ा और पर्वत की बंद दरार को अपने हाथों से खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर राम ने राहत की सांस ली। राम ने आसपास देखा, दरार के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। राम को यह पता ही नहीं चल पाया कि यह प्राकृतिक दरार कितनी गहरी थी। फिर अचानक राम ने अपने पैरों के तले कुछ पानी महसूस किया। राम तुरंत समझ गया कि वो कहां था। वो था काले पर्वत के अंदर, जहां काली शक्तियों का वास था। अचानक ही वो पानी चमकने लगा और राम ने देखा कि वो पानी भी किसी दरार में से ही बह रहा था। उसके सामने दिखाई देने वाली दरार को घूरते हुए राम के हाव भाव तुरंत बदल गए। वो इस बारे में भूल गया था कि काला पर्वत काराकोरम पर्वतमाला में
सबसे भयानक जगह थी। यहां तो शून्य शक्ति वाले बाला ने भी बहुत गहराई तक प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। अचानक एक गर्जना हुई। छोटी आग ने यह भी महसूस किया कि काला पर्वत की काली दरार से निकल रही वो ठंडी हवा कितनी भयानक है। लेकिन अचानक ही बाहर से तैंगशा का उस दरार को खोलना सफल हुआ और थोड़ी ही देर में तैंगशा उनके सामने आ गया। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि राम अटका हुआ था। वो काले पर्वत के अंदर गलती से वहां पहुंच गया था। क्या राम की शक्तियां इस काले पर्वत में चूसी जाएंगी? दरअसल काले पर्वत की शक्तियों से ही तैंगशा ने अपनी तलवार बनाई थी, इसलिए तैंगशा के लिए ये जगह खतरनाक नहीं थी, लेकिन राम के लिए थी, क्योंकि राम अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा था। राम, ऐसा लगता है जैसे भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। देखते हैं तुम अब भाग के कहां जाओगे, तैंगशा ने कहा। राम का चेहरा गंभीर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सचमुच ऐसी स्थिति के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, राम ने महसूस किया कि कठपुतली सिपाहियों ने राम को उस पर्वत के बाहर से घेर लिया था। मतलब राम अब उड़के भी कहां जाता? राम को उम्मीद नहीं थी यह भागने का रास्ता उसे एक मृत अंत की ओर धकेल देगा। अब उसके सामने तैंगशा और बाहर भयानक कठपुतली पंथ के सिपाही थे और पीछे काले पर्वत की काली नदी। चाहे कुछ भी हो, राम को लगा कि उसकी मौत सच में नजदीक है। राम सोचने लगा कि वहां से कैसे निकला जाए। राम, अभी भी तलवार वापस नहीं दोगे? मेरी भयानक कठपुतली पंथ सेना प्रतिभाशाली लोगों के शौकीन है। यदि तुम मेरे भयानक कठपुतली पंथ में शामिल होते हो तो शायद तुम अभी भी अपना जीवन बचा सकते हो। चुपचाप तलवार और शून्य शक्ति दे दो और मेरे सिपाही बन जाओ, तैंगशा ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए कहा। अगर तुम इसे नहीं सौंपोगे तो यहां आज तुम्हारी कब्र होगी। तैंगशा के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसकी ठंडी आंखों में हल्का सा मजाक था। इस समय वो कोई कदम उठाने के लिए अधीर नहीं था, क्योंकि अभी तो राम के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। राम की निगाहें चमक उठी। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसके दिमाग में हजारों प्रश्नों की मारामारी होने लगी। अचानक ही राम को कुछ सूझा। राम ने गहरी सांस ली और उसके मुंह के कोने से एक मुस्कान फैल गई। एक तेज हंसी गूंजी। राम जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख तैंगशा की शक्ल पूरी तरह से अंधकारमय हो गई। क्या कर रहा था राम? क्या अपनी मौत को भी वो गंभीरता से नहीं ले रहा था, या फिर उसने कोई अच्छा रास्ता निकाला था वहां से बचने का? क्या था वो रास्ता, या फिर कृष्णन की भविष्यवाणी सच होगी, राम 25 की उम्र में ही मर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रुतिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।